तो भाई रामराम सर ने आज हम आए थे फतेहाबाद के अंदर भाई जो ट्रैक्टर मंडी के अंदर। आपको आज हम जो इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं भाई, ये सोनालिका का भाई आपको हम ट्रैक्टर दिखाएंगे DI 35 कितने लाख का है, क्या डिमांड है। तो भाई आज हम आपको इसी सारी जानकारी देंगे। तो आपके छोटे भाई की बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको इस ट्रैक्टर की सारी इन्फॉर्मेशन मिले। अगर किसी भाई के पास इस ब्रांड का कोई और भी ट्रैक्टर है तो आप वो भी हमें बताएं वीडियो के नीचे कमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं भाई, पहले बात करते हैं इसकी डिमांड की, क्या डिमांड है, कितने लाख का ट्रैक्टर है। तो भाई उसके बारे में बात करेंगे, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कितने लाख का ट्रैक्टर है। तो भाई देखो 2011 मॉडल है, 3,03,000 की जो डिमांड है ट्रैक्टर के ऊपर आप यहाँ पे देखने वाले। हम आपको दोबारा बता रहे हैं कि 2011 का ट्रैक्टर है, 3,00,000 रुपए की डिमांड है और कुछ ऐसा आपको ट्रैक्टर मिलेगा। अगर भाई किसी भाई को जो ट्रैक्टर इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो हमने इसकी वीडियो बनाई हुई है। आपको क्या करना है, वीरेंद्र राठी सोनालिका ट्रैक्टर आपको लिखना है। तो भाई आपके भाई की जितनी भी इस जो ब्रांड की वीडियो हैं आपको वहाँ पे वो सारी मिल जाएंगी। आज हम बात करेंगे जो ट्रैक्टर की कंडीशन के बारे में कि आपको कैसी कंडीशन मिलेगी इस ट्रैक्टर की देखने को। तो अगर हम बात करें पीछे की तरफ तो आपको कैसा भाई कंडीशन मिलने वाली पीछे की तरफ। सबसे पहले हम बात करें जो इसकी लिफ्ट भाई उनके बारे में बात करें आपको कैसी मिलने वाली। 2011 का ट्रैक्टर है, हम आपको दोबारा फिर बता रहे हैं, उसके हिसाब से आपको इसकी कंडीशन मिलने वाली है। किसी किसान भाई का ट्रैक्टर था तो उसके हिसाब से आपको मिलेगी, उसने कैसा इसको रखा हुआ है। पीछे से आप देखने वाले ये लिफ्ट देख लो, कहीं से कोई कटी हुई है, टूटी हुई है, कैसी आपको लग रही है आप अगर वो बताएं वीडियो के नीचे कमेंट करके। यहाँ से हल्की सी तो बैंड हो रखी है भाई, ये आप ये देखने वाले इक्वल नहीं है, यहाँ से हल्की सी बैंड हो रखी है। ये लिफ्ट है, कंपनी के टायर थे 93-98 का, आपको उसमें टायर मिलने वाले हैं। 3,00,000 रुपए की डिमांड है, 2011 का ट्रैक्टर है। अगर स्पीडोमीटर के बारे में बात करें आपको कैसे मिलेगा आप यहाँ पे देखने वाले, आपको यहाँ पे स्पीडोमीटर भाई आर पे मीटर और जो हीट का होता है आपको वो मीटर मिलेगा, कितने घंटे आपका ट्रैक्टर चला हुआ है और कितना तेल आपके जो ट्रैक्टर के अंदर भाई, ये भी यहाँ पे सारे सही काम कर रहे हैं A to Z। और यहाँ पे आप इंडिकेटर के हो गए भाई, ये भी सही काम करने वाले हैं, यहाँ से आप सेल्फ मारें। और ये इसका गियर बक्सा हो गया भाई, ठीक है, गियर बक्सा भी भाई सही है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं लग रही भाई मेरे को। तो अगर आपको लग रही है तो आप वीडियो के नीचे बताएं कमेंट करके। ये इधर भाई इसकी होगी क्लच, ठीक है, सिंपल भाई आपको इसमें ब्रेक मिलने वाले। ये भाई इसके ब्रेक हो गए, ये पैरों वाली रेस होगी, ये हाथ की रेस होगी भाई, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, अगर बात की जो तेल की टंकी की भाई, भाई आपको कोई लीकेज नहीं है, सही कंडीशन में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अगर पंखे की बात करें भाई, उसके अंदर कोई दिक्कत है क्या नहीं है आप वो चेक कर लो, सही कंडीशन है भाई, कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है। और रही बात जर की भाई, देख लो आपके सामने भाई कहीं से जर नहीं लगा हुआ, सही कंडीशन में है। रेट के बारे में बात करें, 3,00,000 का ट्रैक्टर है, 2011 मॉडल है, उसके हिसाब से भाई आप बताओ। और भाई एक बात और बताओ हमें, अगर किसी भाई के पास ये ट्रैक्टर है जो हमारी ये वीडियो देख रहा है तो उसको भाई एवरेज क्या मिल रही है। अगर और बात करें मेंटेनेंस की तो खर्चा क्या आ रहा है भाई जो ट्रैक्टर का, सर्विस के बारे में बात करें, इसके पार्ट्स के बारे में बात करें, स्पेयर पार्ट के बारे में बात करें, वो क्या पड़ रहे हैं उसको, अगर वो कोई काम करवा रहे हैं इस ट्रैक्टर के अंदर उस भाई के पास अगर ये ट्रैक्टर है तो बताएं हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके। तो आपको कुछ ऐसा भाई ये ट्रैक्टर देखने को मिलने वाला है जो कि आपने भी देखा, तो बताना कि आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा और आपको इसका बेस्ट पार्ट है वो क्या लगा भाई। कंडीशन वाइज हमने आपको बता दिया, आपको कुछ ऐसी इसकी कंडीशन देखने को मिलने वाली है। 2011 मॉडल है, 3,00,000 रुपए की डिमांड है, और ना कि आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगा। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और आपके भाई को क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है।